हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं धर्मशाला में हूँ जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। पिछले वीडियो में मैंने आपको धर्मशाला का जो ऊपरी पार्ट है वो बताया था, जिसे मैक्लोडगंज कहते हैं। और आज के वीडियो में हम धर्मशाला का जो नीचे का पार्ट है उसे एक्सप्लोर करेंगे। बाकी धर्मशाला कैसे पहुंचना है, होटल्स का क्या रेट है, स्कूटी रेंट वगैरह सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना एक बार। और पिछले वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे इस वक्त मैं धर्मशाला के रोपवे में हूँ और यहाँ से काफ़ी बढ़िया नज़ारा हमें देखने को मिलता है। अगर आपको धर्मशाला को ऊपर से अच्छे से देखना है तो सबसे बेस्ट है ये रोपवे। काफ़ी बढ़िया यहाँ नज़ारा दिखता है हमें नीचे का, और आसपास के चारों तरफ के पहाड़ दिखते हैं। तो मेरा ड्रोन कैमरा ख़राब हो गया है तो इसी वजह से मैंने सोचा रोपवे से जाएंगे तो हमें ऊपर से एरियल व्यू भी दिख जाएगा और रोपवे का भी हम आनंद ले लेंगे। रोपवे धर्मशाला का जो ऊपर का पार्ट है मैक्लोडगंज, वहाँ से लगा के नीचे का जो पोर्शन है वहाँ तक जाता है। और रोपवे की कुल दूरी 1.75 किलोमीटर है और इसको एक बार जाने में 12 मिनट लगता है और आने में भी 12 मिनट लगता है। रोपवे का जो टिकट है वो वन साइड का 450 रुपीज़ है और आने जाने का अगर आप बुक करते हो, रिटर्न बुक करते हो, तो 675 का टिकट है। तो क्योंकि मैंने स्कूटी रेंट पर ली है तो हम धर्मशाला को स्कूटी से एक्सप्लोर करेंगे, और रोपवे का इसीलिए मैंने रिटर्न टिकट लिया है ताकि हम व्यू देख के फिर से जल्दी आ सके और उसके बाद आगे बढ़ सके धर्मशाला को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये रोपवे स्टेशन है, हम फिर से ऊपर आ गए हैं रिटर्न ट्रिप करके। ये मैक्लोडगंज का मार्केट है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और ये रही हमारी स्कूटी जो हमने रेंट पर ली है, इसका चार्ज 500 रुपीज़ है पर डे का। तो मैक्लोडगंज से जब हम धर्मशाला के लिए जाते हैं तो बीच में तिब्बतियन म्यूज़ियम आता है। तो इस वक्त मैं तिब्बतियन म्यूज़ियम के बाहर हूँ। पीछे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये तिब्बतियन म्यूज़ियम है। सामने आपको बिल्डिंग दिख रही होगी, ये तिब्बतियन पार्लियामेंट है। तिब्बत की सरकार यहीं से चलती है, धर्मशाला से। तो इसीलिए पीछे यहाँ पर तिब्बतियन पार्लियामेंट बना हुआ है। चाइना तिब्बत पर अपना अधिकार करना चाहता था और दलाई लामा को कैद करना चाहता था। तो चाइना से बचने के लिए दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी, यहाँ पर धर्मशाला में। तो यहाँ पर दलाई लामा जी रहते हैं धर्मशाला में, जो कि तिब्बतियन धर्मगुरु है और वो 14वें दलाई लामा हैं। तो क्योंकि यहाँ पर दलाई लामा जी रहते हैं और काफ़ी तिब्बती लोग हैं तो इसीलिए इसे मिनी ल्हासा भी कहा जाता है। ल्हासा वैसे जो तिब्बत है उसका कैपिटल है। तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है तिब्बतियन लाइब्रेरी इस तरफ में है, और इस तरफ में ये है नाचुंग टेम्पल। पहले हम नाचुंग टेम्पल में जाते हैं, उसके बाद में लाइब्रेरी में जाएंगे। मंदिर के अंदर चलते हैं। नाचुंग टेम्पल में हमने दर्शन किए और अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं म्यूज़ियम के लिए। आप देखो आवाज़ कैसी आ रही है, जंगल वाली आवाज़ है पूरी। वैसे यहाँ पर सारी बिल्डिंग्स दिख रही है लेकिन ये जगह पहाड़ी पर है तो इसीलिए इस तरह का साउंड रहता है यहाँ पर। ये है तिब्बतियन लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी अभी बंद है, हम म्यूज़ियम की तरफ चलते हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये तिब्बतियन म्यूज़ियम है और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो पीछे म्यूज़ियम का एंट्री गेट है और म्यूज़ियम का 20 रुपीज़ का टिकट लगता है। तो मैंने टिकट ले लिया है, म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। तो इस म्यूज़ियम में सब कुछ बड़ी डिटेल से बताया हुआ है। अगर आप इस म्यूज़ियम में आते हो तो पूरे तिब्बत को जान जाओगे, तिब्बत की वेशभूषा, खान पान, उसके बाद दलाई लामा जी कैसे भारत आए, क्या हुआ, सब कुछ डिटेल में बता रखा है। तो काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है।
तो मैं म्यूज़ियम देखकर बाहर आ गया हूँ और म्यूज़ियम देखने में मुझे 20 मिनट के आसपास समय लगा और मुझे लगा था कि 4 माले की पूरी बिल्डिंग म्यूज़ियम है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर म्यूज़ियम बना हुआ है और उसमें 2 सेक्शन है, लेफ्ट और राइट, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो हमने इस जगह पर टेम्पल देखा और ये म्यूज़ियम देखा, बाकी लाइब्रेरी अभी बंद है और तिब्बती गवर्नमेंट के सारे ऑफिस यहीं पर है। मैंने आपको बताया जो भी ऑफिसेज है सारे, उनकी कोर्ट से लगा के और पार्लियामेंट से लगा के सब कुछ यहीं है, इसी जगह पर है। तो काफ़ी अच्छी जगह थी ये। अभी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ नरगोटा। नरगोटा ये जगह है जहाँ पर धर्मशाला में सारे टी गार्डन है और धर्मशाला बस स्टैंड से ये जगह करीब 3 किलोमीटर है। तो यहाँ पर सारे टी गार्डन है, गार्डन हम देखेंगे, लेकिन पहले धर्मशाला टी कंपनी का विजिट करके आते हैं। तो यहाँ पर विजिटर्स आ सकते हैं, अच्छे से घूमकर देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस 1882, 1882 से ये कंपनी है और ये टी फैक्ट्री है। तो यहाँ पर ये चाय के पत्ते हैं, इनका प्रोसेस होगा मशीनों में और उसके बाद में यहाँ से टी तैयार होकर आगे बढ़ेगी। वैसे आज संडे है तो प्लांट बंद है, लेकिन मैंने इनसे थोड़ा रिक्वेस्ट किया तो इन्होंने मुझे शॉर्ट में बता दिया। तो ये देखो आप, ये सारे चाय के बागान हैं जो हमने फैक्ट्री देखी उसके पास में ही हैं। तो करीब करीब 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में ये सब फैला हुआ है, यहाँ पर टी गार्डन है सारे। तो ये पतली सी पगडंडी बनी हुई है और मैं थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा हूँ। तो इस वक्त मैं चाय के बागान में खड़ा हूँ और काफ़ी बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। आगे वहाँ पर फैक्ट्री है जो मैंने आपको बताई, धर्मशाला टी कंपनी, और ये चाय के बागान हैं और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर जब हम खड़े होते हैं बागान के अंदर, गार्डन के अंदर। यहाँ पर आगे एक मंदिर भी बना हुआ है, छोटा सा दुर्गा माता का मंदिर है ये, और सामने वहाँ पर पहाड़ों का काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है, तो उस तरफ चलते हैं। तो अभी मंदिर बंद है वैसे ये। तो टी कंपनी और टी गार्डन हमने देखा, अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो करीब करीब 2 किलोमीटर तक इसी तरह के सारे चाय के बागान हमें देखने को मिलेंगे। तो टी गार्डन से मैं धर्मशाला सिटी में होते हुए 2 किलोमीटर नीचे की तरफ आया हूँ और यहाँ पर है धर्मशाला का स्टेट वॉर मेमोरियल, पीछे गेट बना हुआ है, तो अंदर चलते हैं। यहाँ पर टिकट काउंटर है और इसका टाइमिंग जो है वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक का है। बाकी यहाँ पर ये सारे फूड स्टॉल वगैरह है, पार्किंग है इस तरफ में। तो ये मेन गेट है, यहाँ से हमें अंदर जाना है, तो यहाँ से टिकट मिलेगा हमें। ये टिकट काउंटर है, 20 रुपीज़ पर पर्सन का फ़ी है एंट्री फ़ी, और 5 साल के बच्चों के लिए फ्री है। पार्किंग का चार्ज भी लिखा हुआ है, 2 व्हीलर का 20 रुपये है और 4 व्हीलर का 30 रुपीज़ है, मैक्सिमम 4 आवर्स। तो टिकट काउंटर से मैंने टिकट ले लिया है। अंदर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि वॉर मेमोरियल और म्यूज़ियम दोनों यहाँ पर बना हुआ है। वॉर मेमोरियल अभी चालू है लेकिन म्यूज़ियम अभी बंद है, वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रिनोवेशन का काम चल रहा है। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये म्यूज़ियम है, बिल्कुल पास में ही है। तो म्यूज़ियम अभी बंद है क्योंकि वहाँ पर रिनोवेशन हो रहा है, तो हम वॉर मेमोरियल देखते हैं। लीजिए सर। थैंक यू, वेलकम सर। तो ये वॉर मेमोरियल है, हम अंदर आ गए हैं और देखने में काफ़ी सुंदर दिखता है, तो काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। आर्मी के जो भी सोल्जर जंग में शहीद हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे चाइना के साथ हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र में कभी हमारी सेना गई हो, तो उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर ये वॉर मेमोरियल बनाया हुआ है। तो सामने वहाँ पर एक दीवार है जहाँ पर सारे नाम लिखे हुए हैं शहीदों के। तो चलते हैं आगे। तो इससे आगे जाना अलाउ नहीं है, हमें यहीं से देखना होता है और अपनी श्रद्धांजलि शहीदों को अर्पित करनी होती है।
तो ये है अमर जवान ज्योति। तो एक तरह से गार्डन जैसा है, हम अंदर घूम सकते हैं अच्छे से इन ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़ों के बीच में से, और काफ़ी बढ़िया लगता है। सामने वहाँ पर चिल्ड्रंस पार्क बना हुआ है। यहाँ पर ये पाकिस्तान आर्मी का टैंक रखा हुआ है, देखो। दिस टैंक M47 पैटर्न ऑफ 6 आर्म डिवीजन ऑफ पाकिस्तान आर्मी कैप्चर इन द बैटल ऑफ चाविंडा ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर ऑफ 1965। तो ये पाकिस्तान का टैंक है जो इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया था युद्ध में। तो वॉर मेमोरियल हमने देखा और मैं पार्किंग में आ गया हूँ, अभी यहाँ से आगे बढ़ना है। लेकिन काफ़ी ज़ोरदार भूख लग रही है, आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया और करीब 12 बज गए हैं। तो यहाँ पर छोले कुलचे मिल रहे हैं, छोले कुलचे खा के जाते हैं, टेस्ट करके जाते हैं। भैया छोले कुलचे खिलाइए, चटपटी खाओगे तब में ठीक है। चटपटी खिलाइए, बढ़िया एकदम। तो हमारे छोले कुलचे बिल्कुल रेडी है और इसके ऊपर उन्होंने मिर्च का अचार वगैरह एकदम बढ़िया से डाला है। मैंने बोला उनको मसालेदार बनाना, तो कुलचे बिल्कुल सॉफ्ट है एकदम। तो खा के देखते हैं कैसा लगता है चटपटा सा। चाचा ने एकदम मसालेदार बनाया, बढ़िया एकदम, मज़ा आ गया, चटपटा एकदम। स्ट्रीट फूड ज़्यादा बढ़िया होता है वैसे मेरी राय में, होटल में जो खाते हैं उससे ज़्यादा मज़ा हमें स्ट्रीट फूड खाने में आता है। अच्छा बनाया था आपने चटपटा, हाँ। कितना हुआ? 80 बना, आप 70 दे दो। नहीं 70 क्यों देंगे, हम पूरे 80 देंगे। क्या है? आइसक्रीम, बादाम शेक, रबड़ी फलूदा। चलो बादाम शेक दे दो। छोले कुलचे चटपटे थे, खाने में तो काफ़ी मज़ा आया, लेकिन खाने के बाद जीभ जलती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बादाम शेक पीते हैं और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की तरफ। तो अभी हम आ गए हैं धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम पर। सामने स्टेडियम का गेट है और अंदर स्टेडियम है। वैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो टूरिस्ट को अभी अंदर जाना अलाउ नहीं है, तो हमें बाहर से ही देखना होगा। बाकी इसके अलावा हम अगर आगे जाएंगे तो शायद एक दो व्यू पॉइंट से वहाँ से हमें दिख जाए। धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम है, ऐसा कहते हैं। टूरिस्ट के लिए सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक का टाइम है स्टेडियम का, और 20 से 30 रुपये का कुछ टिकट है इसका। तो नॉर्मल टाइम पर अगर आप आते हो तो आराम से देख सकते हो स्टेडियम, अंदर घूम सकते हो, फोटोग्राफी भी कर सकते हो। लेकिन मैंने बताया आपको वर्ल्ड कप चल रहा है तो इसी वजह से हम अंदर नहीं जा पाएंगे। तो अभी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं स्टेडियम से करीब 3 किलोमीटर आगे की तरफ आया हूँ, मतलब थोड़ा हाइट पर आया हूँ, ये सोचकर कि शायद स्टेडियम का व्यू मिल जाए मुझे ऊपर से। तो सामने धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ से भी अच्छे से तो नहीं दिख रहा है लेकिन नीचे का व्यू काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो अभी हम धर्मशाला से 5 किलोमीटर दूर आए हैं और यहाँ पर है नॉरबुलिंग का इंस्टीट्यूट, जो तिब्बती लोग हैं उनका इंस्टीट्यूट बना हुआ है यहाँ पर, और काफ़ी बढ़िया जगह है। तो देखते हैं अंदर चलकर। तो यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू नॉरबुलिंग का इंस्टीट्यूट। तो मेन गेट के पास यहाँ पर टिकट विंडो है, मैंने टिकट ले लिया है, 50 रुपये का टिकट है। आज संडे है तो टेम्पल हम जा सकते हैं, फिर डॉल म्यूजियम है, रेस्टोरेंट है और शॉप है, ये सब हम देख सकते हैं।
बाकी 8 वर्कशॉप आज बंद है। वैसे संडे मैं शूट करता नहीं हूँ, लेकिन आज मजबूरी हो गई तो मुझे शूट करना पड़ रहा है, और इसीलिए कई जगह बंद भी है। अंदर चलते हैं, इंस्टीट्यूट को देखते हैं। इस तरफ में ये शॉप्स है और रेस्टोरेंट बना हुआ है, नॉर्बोलिंग का रेस्टोरेंट। यहाँ पर भी रेस्टोरेंट बना हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है रूम्स अवेलेबल, तो यहाँ पर रहने के लिए शायद रूम वगैरह भी मिलते हैं। तो यहाँ पर छोटा सा एक तालाब बना हुआ है, कुंड है ये, मछलियाँ भी हैं अंदर। वैसे मैंने यहाँ पर पूछा है, ये आर्ट एंड क्राफ्ट का इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जाता है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट की वर्कशॉप तो हमें आज देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि आज संडे है, मैंने आपको बताया। लेकिन सामने टेंपल है, टेंपल में विजिट करते हैं। तो ये टेंपल है, तो बुद्धा टेम्पल हमने देखा, और पास में यहाँ पर डॉल म्यूज़ियम है, उसमें चलते हैं। तो ये है लोसल डॉल म्यूज़ियम, यहाँ पर सब अलग अलग तरह की डॉल हमें देखने को मिलती है। तो मैं इंस्टीट्यूट से बाहर आ गया हूँ, और अंदर से घूमकर बाहर आने में मुझे आधे घंटे का समय लगा। और अच्छी जगह है, पीसफुल जगह है ये। हालांकि आज वर्कशॉप बंद था, अगर वर्कशॉप देखते तो और मज़ा आता, लेकिन कोई बात नहीं। और इंस्टीट्यूट के बाहर ये जो रोड है, यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं जहाँ पर हमें हैंडीक्राफ्ट मिलता है। नॉर्बलिंग का इंस्टीट्यूट से करीब 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके मैं इस जगह पर आया हूँ, और यहाँ पर एक महादेव का टेंपल है, काफ़ी फेमस और पुराना मंदिर है, जिसका नाम है अगंजर महादेव। तो ये यहाँ का पार्किंग है, स्कूटी मैंने लगा दिया है, सामने टेंपल है, चलते हैं टेंपल की तरफ। तो हम पहुँच गए हैं अगंजर महादेव मंदिर के परिसर में। यहाँ पर और भी कई सारे मंदिर है, लेकिन जो मुख्य मंदिर है वो यहाँ से हमें नीचे उतरना होता है, तब आता है, गुफा मंदिर है यहाँ पर। तो यहाँ से ये जो आप सीढ़ी देख रहे हो, यहाँ से हमें नीचे जाना होता है, और ज़रा आगे जाने पर एक गुफा आएगी, वहाँ पर मुख्य मंदिर है। तो ये मंदिर बिल्कुल जंगल में है और एकदम पहाड़ के ऊपर में है, और बहुत ही प्यारा रास्ता है यहाँ का। सामने देखो कितना बढ़िया लग रहा है, वहाँ से पानी बहता हुआ आ रहा है। यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा पानी बह रहा है और रास्ता भी नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि गुफा मंदिर आगे है वहाँ पर, तो वहाँ तो जाने में काफ़ी समय भी लग जाएगा और थोड़ा रिस्की भी है, पानी की गति भी काफ़ी तेज़ है। तो हमें आगे जाना है, लेकिन पानी काफ़ी चल रहा है। तो मैं यहाँ से वापस जा रहा था, लेकिन भोलेनाथ की इच्छा कुछ अलग थी, उन्होंने इनको भेज दिया। इनका नाम श्रेया है, ये यहाँ के लोकल है। तो इन्होंने मुझे बताया कि आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, गुफा यहीं पर है, तो भगवान शिव की गुफा के दर्शन करके जाते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो जैसे ही हम सीढ़ी उतरते हैं तो नीचे ही गुफा है, जो मुझे दिखी नहीं। तो ये देखो आप, ये बड़ा सा पत्थर है और इसके नीचे छोटी सी गुफा है, हमें नीचे से रेंगते हुए जाना होगा और वहाँ से हम दर्शन करेंगे।
तो ये यहाँ से नीचे है मंदिर, ये गुफा मंदिर है। और ये देखो आप सामने मूर्ति पड़ी है पुरानी। कहते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ पर अर्जुन को दिव्य अस्त्र दिए थे। और ये अगंजन महादेव का मुख्य गुफा मंदिर है। और यहाँ से अंदर जाने के लिए हमें पूरा रैंक कर जाना होगा, तो मैं थोड़ा बाहर से आपको बता रहा हूँ। गुफा मंदिर के दर्शन करके हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर भी मुख्य मंदिर है, तो यहाँ पर भी दर्शन करते हैं। तो ये अखंड धुना है और 600 साल से ये जलता है। तो अगंजन महादेव गुफा मंदिर और उसके बाद में ऊपर ये सारे जितने मंदिर है, छोटे बड़े महादेव के और माता जी का भी मंदिर है, हनुमान जी का भी मंदिर है, तो सबके हमने दर्शन किए और काफ़ी अच्छा लगा हमें। और ये जगह बहुत अच्छी है, पहाड़ों के बीच में ये जगह है आपने देखा, और बहुत सुकून है यहाँ पर, तो बहुत प्यारी जगह है। तो धर्मशाला आते हो तो यहाँ पर आप ज़रूर विजिट करना, बहुत ही प्राकृतिक जगह है ये, मुझे बहुत पसंद आई जगह ये। तो अगंजन महादेव से करीब मैं 3 किलोमीटर की चढ़ाई कर और ऊपर आया हूँ। और ये जगह है खड़ोता वैली, इसे खड़ोता वैली कहते हैं। और यहाँ से नीचे का व्यू बहुत ज़बरदस्त दिखता है, बहुत शानदार जगह है ये। मुझे वैसे पता नहीं था, लेकिन अगंजन महादेव के जो पुजारी है उन्होंने मुझे बताया कि आप ऊपर जाना, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। वैसे गाड़ी थोड़ा आगे तक जाता है वहाँ तक, फिर वहाँ से हम चाहे तो ऊपर पहाड़ों में पैदल जा सकते हैं घूमने के लिए। और काफ़ी सुंदर जगह है देखो आप। वैसे खड़ोता वैली में कैंपिंग भी होता है, काफ़ी सारी कैंप साइट है यहाँ पर, तो आप चाहो तो कैंपिंग भी कर सकते हो यहाँ पर आके। नीचे जो आपको वहाँ पर दिख रहा है ये सारी कैंप साइट है। तो अभी लगभग 5 बज गए हैं और यहाँ से अभी हमें आगे जाना था चामुंडा माता मंदिर के लिए, जो कि एक शक्तिपीठ है। और यहाँ से वो करीब 13 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पहुँचने में हमें कम से कम 35 मिनट के आसपास समय लगेगा। और जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो लगभग अंधेरा भी हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ों में काफ़ी जल्दी अंधेरा होता है। तो अभी हम चामुंडा मंदिर नहीं जाएंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम यहाँ से फिर से धर्मशाला की तरफ जाएंगे और वहाँ पर एक व्यू पॉइंट है, वहाँ चलेंगे और वहाँ से हम सनसेट देखेंगे। कहते हैं कि वहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया व्यू देखने को मिलता है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सनसेट होने वाला है, करीब 15-20 मिनट बाकी है। वैसे तो 13 किलोमीटर का रास्ता था, तो मुझे लगा 25 मिनट में हो जाएगा, लेकिन काफ़ी चढ़ाई थी तो इसलिए थोड़ा समय लग गया। तो ये इंदू नाग है और यहाँ पर एक टेंपल है नाग देवता का, इंदू नाग का, इसीलिए इसे इंदू नाग कहते हैं। और यहाँ से व्यू काफ़ी बढ़िया आता है, नीचे का सारा नज़ारा हमें दिखता है। सामने आपको धौलाधर माउंटेन दिखेंगे, देखो आप क्या नज़ारा है। और इस रोड से हम आए हैं नीचे से और बिल्कुल टॉप पर हैं हम। और सामने वहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम भी दिख रहा है, जो हम नीचे से नहीं देख पाए थे, यहाँ से अच्छे से दिख रहा है, लेकिन कैमरा न्याय नहीं कर पाएगा इसके साथ में, क्योंकि काफ़ी दूर है, मैं अपनी आंखों से अच्छे से देख पा रहा हूँ इसे। अभी सनसेट हो रहा है, क्योंकि आज बादल ज़्यादा है तो इसलिए हम सनसेट देख नहीं पाएंगे यहाँ से,
काफी सारे बादल है, तो बादलों के पीछे सन चला गया है। अभी लगभग 6 बज गए हैं और नीचे तो अंधेरा हो गया है, क्योंकि हम हाइट पे हैं तो यहाँ पर भी अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। तो इससे पहले कि अंधेरा हो, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो